हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार गाइस, आ गया हूं मैं अपने भजीज में और एक रोटी लेके आया हूं। ये ऐसे इनको खिला के ना, और हम चेक कर लेंगे यार इनकी प्रोग्रेस कल हमने की थी यार, उस थ्रू नहीं किया प्रोग्रेस चेक। तो यार मैंने आपको कहा था कि यार उसमें 16 बच्चे निकले पड़े, लेकिन जब मैंने बाद में गिना तो उसमें 16 नहीं थे बच्चे यार, उसमें 17 बच्चे थे। यार इन्हें एक रोटी खिला देते हैं गाइस। जैसे यार बात बताऊं, देखें मैंने अभी तक ना, यकीन करें खूब इतना सुबह से अब तक नाश्ता नहीं किया, और टाइम मैं आपको बताता हूँ तकरीबन हो रहा है, टाइम हो रहा है 12:35, ठीक है। और अभी तक मैंने ना नाश्ता खुद नहीं किया, और मैंने रात को भी 4 बजे सोया था, रात को 7 बजे रोटी खाई थी, सोया 4 बजे था, और अभी तक ना फिर मैंने नाश्ता नहीं किया। यूँ समझ लो यार, अभी तक मुझे शदीद भूख लग रही है और मेरी रोटी बन रही है। मैंने कहा यार जाके ना पहले अपने मिठू को खिलाता हूँ। अबे यार वहाँ पर बैठ के खाओ, मैंने काम करना है, तुम्हें नहीं खिलानी मैंने। मिठू मेरे प्यारे मिठू, देखे यार गाइस मेरे पास आए बैठे हैं। लोग समझेंगे कि यार गाइस ये भूख है इसलिए रोटी खा रहे, लेकिन यार ऐसा नहीं होता। ये ना मेरे टाइम है, यानी कि जो मेल है ना वो मेरे टाइम है, फीमेल्स मेरे पास नहीं आती। वो कहते हैं मैं पता नहीं क्यों फीमेल्स मेरे पास नहीं। सर मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये देखो यार, ये देख रहे हैं यार, ये देख रहे हैं, इनमें बाजरा भी पड़ा हुआ है, इस टाइम खुराक इनकी पड़ी हुई है, लेकिन ये देखें ये रोटी खाने के लिए आ रहे थे, क्योंकि ये मेरे टाइम है। ये लो जी, तुम ना ऐसा करो यहाँ पर बैठ के खाओ। यार गाइस ये पुराना सेब पड़ा हुआ है, सेब निकाल लेते हैं, क्योंकि ये सेब ना बासी हुआ पड़े, ठीक है ना। ये हम अपने रैबिट्स को खिला देते हैं ताकि वो भी कुछ खा ले, और ये मैं इनको रोटी पूरी से पूरी रख दे यहाँ पर कर देते हैं, ताकि ये आराम से आकर ना रोटी खाना स्टार्ट करें और हम इनके प्रोग्रेस चेक कर लें। तो यार ये मैं डाल दूँ इनको। ये लो जी, ये लो खाओ 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 खाओ, आराम से सारा उन्हें खाना है। अगर प्रोग्रेस चेक करते यार इसको, वैसे यार गाइस इसकी ना मैंने आजकल में ही प्रोग्रेस चेक की थी, यानी कि आजकल मैंने तो तकरीबन यार 3-4 दिन पहले ना मैंने इसकी प्रोग्रेस चेक की है, लेकिन मैंने कहा था कि यार पहले उसकी करेंगे फिर इसकी करेंगे। तो यार कल हमने उसकी किया, तकरीबन 17 बजे थे, और आज इसकी करते हैं। इसको किए हुए वैसे 3 दिन हुए हैं, थोड़ा ही फर्क पड़ा होगा, लेकिन पड़ा होगा। यार वैसे पिछली बार में मन में भी एक में जाना स्टार्ट हो गई थी, देखो यार इसमें भी अंडा दे दियो, यानी कि मैं कहता हूँ यार अभी ना तकरीबन 17 से 18 अंडे हैं जिनमें यार के अंडे हैं, लेकिन मेरे पास जो पेयर है ना, यानी कि तोते जो है वो तकरीबन 62 होते हैं, तो तकरीबन 30 पेयर भी बने हैं। वैसे 27 पेयर है तकरीबन, यानी कि बाकी मेरे छोड़ जाते हैं, ठीक है। अगर 27 पेयर में है तो 27 डोले में तो अंडे होने चाहिए ना, इस टाइम जो डोले में अंडे हैं वो तकरीबन 18 से 19 होंगे। हम चेक कर लेंगे और गिन भी लेंगे कि यार कितनी इस टाइम डोलियाँ जिनमें यानी कि जो ब्लॉक हो चुके हैं, और जिनमें ना हमारे यानी कि फीमेल्स अंडे दे रही हैं और देंगे, या तो यानी कि कितने पेयर यानी कि सेट हो चुके हैं। जो पेयर सेट हो जाते हैं वो ये है कि फिर ब्रीड करते रहते हैं। तो यार सबसे पहले चेक कर लेते हैं डोली नंबर 1 को। डोरी नंबर 1 में फीमेल बैठी हुई है और इसने अंडा देना है, यानी कि यार एक पैर ये भी सेट हो गया और इसने अंडा देना है, यानी कि यार एक पैर ये सेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा यार बच्चे भी गिनने हैं, पैर भी गिनने हैं आज हमने। तो दूसरी को चेक कर लेते हैं, दूसरी में 1, 2, 3 बच्चे निकले हुए हैं, माशाल्लाह 4 है। अच्छा क्या चीज़ है, बहुत नाजुक है, पता नहीं यार क्या है इसको। इसके कंसीडर करते हैं गाइस 3 बच्चे और 2 पेयर, ठीक है यार। आज ऐसा करते हैं बच्चे गिनते हैं पेयर फिर गिनेंगे हम। तो यार तीसरे को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। फोर को चेक कर लेते हैं, इसमें 4 अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन अभी फीमेल ने कुछ नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ब्रीड करेगी ना तो इसका यकीन ठीक होगा। तो यार 1, 2, 3 प्यार हो गए, और कितने बच्चे थे, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। फिर डोल नंबर 5 को चेक कर लेते हैं, 5 में फीमेल बैठी हुई है, लेकिन मेरे पास हटो आओ हट गया माशाल्लाह यार, इसके भी बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए गाइस। वो देखें यार वो अंडा खुला पड़ा, अंडे की टोपी कितना प्यारा यार खुला पड़ा, मेरे ख्याल में यार ये बिल्कुल अभी ही निकला है। 1 बच्चे के 2 हैं अब यार, ये हटे तो सही पता चलेगा कि 1 है कि 2 हैं। किस चीज़ से हटाएं इसको, किस चीज़ से हटाएं, हट गए गाइस कितना प्यारा यार ये अभी निकला है। ये देखो यार यहाँ पर 1 अंडे का आधा खोल पड़ा हुआ है, यहाँ पर अंडे की टोपी पड़ी हुई है, और ये बच्चा निकला हुआ है। तो यार कितने हो गए गाइस, कितने बच्चे हो गए, 3 वहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 बच्चे हो गए। रोल नंबर 6 को चेक कर लेते हैं, खाली है। रोल नंबर 7 को चेक कर लेते हैं, इसमें भी ना 1, 2 बच्चे हैं, है ना। 2 यहाँ अगर ज़्यादा होंगे तो यार मुझे पता नहीं चल रहा, क्योंकि यार समय में ये दूर हो जाती है ना, तो मैं यहाँ पर समझे ठहरा हूँ, और वो वहाँ पर है डोली, मेरी हाथ भी नहीं पहुँच पा रहा, सिर्फ वीडियो बन पा रही है। मैंने यानी कि आज तक ना अपनी आंखों से नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ कैमरे में देखा, जैसे आप देखते हैं वैसे ही मैं देखता हूँ। तो यार मेरे कैमरे का 2 ही बच्चे हैं। तो यार 3 वहाँ पर थे और यहाँ पर था 1, 3 और 1, 4, 4 और 2 6 बच्चे हो गए, ठीक है। 8वीं को चेक कर लेते हैं, 8वीं में अभी फीमेल ने कोई अंडा नहीं दिया, लेकिन पेयर सेट हुआ बैठा, ये भी अंडा दे देंगे यार। तो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें कर देते हैं, इसमें ओ यार शुक्र है यार, इसमें मैंने कहा अंडे दिए हुए थे डोल नंबर 11 वाली के, लेकिन ना इसके अंडे खराब हो चुके थे। मैंने कहा यार ये अपने अंडे फेंक के, नए अंडे दे, इसने अंडे फेंक दिया, अब ये नए देगी फिर वो फर्टाइल होंगे। तो यार इसके बाद हेल्थ चेक कर लेते हैं, इसके अंदर फीमेल आई बैठी है। ओए तुम्हें क्या हुआ, पड़ा है, हटो हटो हटो, दिखो भाई, अभी इतना गुस्सा
गाइस इसने अंडे दिए हुए लेकिन यार इसके अंडे खराब है और लेकिन फिर भी ना ये बैठे हुए हैं। चलो इसे कुछ अर्से बाद खुद ही समझ आ जाएगी कि यार ये अंडे खराब है, इनको फेंक दूँ। यार एक डोली में गाइस अभी लड़ाई पड़ गई थी, आप मट्टी देख रहे होंगे यार। इसमें ना एक फीमेल है ना दूसरे को मारा, ये जो अभी उड़ के जा रही है ना इसने मारा द वाइट वाली फीमेल को। वो दोनों यहाँ पर घुस के कोच 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 वैसे लड़ के लग गए काफी देर इन्होंने कि ना आपसे लड़ाई चल गया। मैं बस आपको दिखाना भूल गया यार, बच्चे हम गिन रहे थे यार, पता नहीं अब कहाँ चले गए। 3, 4, 5, 6 बच्चे हो गए थे। तो जब वहाँ तक पहुँचा ना मुझे बच्चे भूल जाते पीछे, तो फिर मैंने यार दोबारा एक बार गिनती करना पड़ता है, 6, 4, 5 ऐसा बनाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल होती है यार। क्या किया जाए यार इसका? अच्छा मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, इसके अलावा सोचों को भी देख रहा था, पैर भी देख रहा था यार कौन सी किसकी फीमेल है, और इसके अलावा पैर गिनने भी हैं, बच्चे भी गिनने हैं, यानी कि कन्फ्यूज हो जाता हूँ यार। 13 की बारी, 13 में कुछ नहीं है, 14 को देख लेते हैं। और शुक्र यार गाइस इस फीमेल ने नया अंडे देना स्टार्ट कर दिया, बल्कि नहीं ये तो मेल है ना यार। यहाँ पर आपको पता है कि यार एक अंडा होगा और बिल्कुल शुरू से पड़ा हुआ था, इसमें एक अंडा फेंक के आपने नए अंडे 3 दिए हुए हैं, तो यार ये फर्टाइल भी होंगे, इनमें से बच्चे भी निकलेंगे। पिछले क्लास में इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अंडा दिया क्योंकि यार वो फर्स्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था इस वाली फीमेल का। पहले भी बात बताई थी कि यार जो फर्स्ट क्लास होता है यानी कि किसी भी फीमेल का समझे फर्स्ट है, वो बड़ी मुश्किल से देती है, यानी कि बहुत डिले करती है उसमें, और दे भी देती है तो फिर वो खराब हो जाता है इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट टैग होता है ना। तो जब वो फर्स्ट टैग लेकर देते हैं ना, उसके बाद यानी कि अब अगर खराब भी हो गया ना तो जब दूसरे दे आप देखे 3 कट्ठे दे दिया बिल्कुल फ्रेश अंडे पड़े हुए और फर्टाइल दिया, तो ये 3, 4, 5 आप देखे अब अंडे निकालेगी। अगर वो एक अंडे का ठीक होता वो एक अंडे को हेज करके बच्चा निकलता वो पलता, यानी कि बहुत सारे इसका टाइम वेस्ट होता, ये बेस्ट रह जाता है काम। पूरी लाइन में ना हमें मिले हैं 6 बच्चे, ठीक है ना, ऊपर वाली पूरी ना चेक हो गई। अब हम आ जाते हैं रेड नंबर 15 पर। 15 में फीमेल अंडे दिए होंगे लेकिन अब इसके बच्चे निकले होंगे, इसके अंडे बिल्कुल फ्रेश है, निकलाई और 3 बच्चे निकलाए गाइस इसके, और इसके अंडे तो बिल्कुल फ्रेश है और इसने दिए भी बहुत देर से हैं, शायद यह टाइम पूरा हो गया होगा गाइस 7, 8, 9 और एक अंडा भी पड़ा हुआ है। चलो यार गाइस 9 अंडे हो गए, देखा अब इसने देर से अंडे दिया ना, इसके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा इनके बच्चे निकल रहे हैं, इन्होंने देर से दिया इनके बहुत सारे बच्चे निकले हुए हैं। तो यार ये कितने हो गए? 9 हो गए। तो नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं, खाली 18 को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर भी 5 अंडे पड़े हुए हैं, लेकिन यार गाइस पता क्या है यार, क्या है बहरहाल यार अभी पड़े रहने देते हैं इनको। तो यार कितने हो गए? 9 बच्चे हो गए। डोल नंबर 19 को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है। 20 को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर बच्चे निकले हुए हैं लेकिन कितने हैं? वाइट बच्चे निकल आए यार, मुझे इसी के यार इंतजार थी कि एवरी में ना कोई वाइट बच्चा निकले। पिछली बार उस पूरी एवरी में ना सिर्फ और सिर्फ एक वाइट पैरेंट निकला था, वो जो वो बैठा हुआ है, ठीक है ना, और कोई भी मेरे पास वाइट नहीं है। यहाँ पर ये देखो यार वाइट निकला हुआ है। हटो 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 हटो, बच्चे गिनने भी दो और सुनने भी दो। 1, 2 अबे यार गिनने दे, भाग जा। 1, 2, 1, 2, 3, 4 गाइस 4 बच्चे हैं जिनमें से पहला येलो है, जो छोटा है वो वाइट है। तो यार कितने हो गए? अबे यार गिनने दो, हटो 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 हटो। गाइस यार मैं सब कैसे कहूँ मुझे अपने बच्चे 1, 2, 3, 4 है ना, हाँ गाइस 4 ही बच्चे हैं। यार 9, 10, 11, 12, 13 बच्चे हो गए। रोल नंबर 21 को चेक कर लेते हैं, 21 में भी कब सारे निकले हुए यार? 1, 2, 3, 4 14, 15, 16, 17 बच्चे हो गए, ठीक हो गया यार। 22 को चेक कर लेते हैं, ये खाली है। 23 को चेक कर लेते हैं, ये खाली है। 24 खाली है। 25 को चेक कर लेते हैं, इसके अंदर यार 3 बच्चे होंगे। और यार कितना प्यारा कंट्रास्ट निकला हुआ गाइस, ये देखो यार माशाल्लाह इसके पार देखें यार कितने प्यारे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे निकले हुए यार इस बात हो। तो यार 17 बच्चे चल रहा 19, 20 हो गए दो लाइनों का। हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा जो ऊपर वाली लाइन होती है उसके अंदर बहुत अच्छी वीडियो होती है, जो दूसरी होती है उसके अंदर और काम, जो तीसरी होती है उसके अंदर और काम, जो चौथी होती है उसके अंदर, यानी कि नीचे होते जाते हैं और ये ना ब्रिक काम होती जाती है। लेकिन इस पर यहाँ पर उल्टा ही काम हुआ पड़ा यार, ऊपर वाली में सिर्फ 6 और नीचे वाली में जब मैंने गिना तो 20 बच्चे हो गया। अब यार दो लाइनें गाइस पड़ी हुई हैं, इनको चेक करते हैं यार। अब यानी कि ये देखें अब एक दो फीमेल से जिनके ना अंडे कुछ पड़े हुए, जैसे इसका एक अंडा पड़ा हुआ है उसका एक, बस जितने निकलने थे ना तकरीबन निकला है। अब कुछ फीमेल जो अभी सेट हो गए, जैसे ये देखें यहाँ पर एक ना हमारी फीमेल सेट हो रही है रोल नंबर 29 में, वाइट फीमेल, वो अब यानी कि फर्स्ट क्लास देगी और फर्स्ट बच्चे देगी, यानी कि अब उसका फर्स्ट क्लास होगा। तो यार 20 बच्चे हो गए डोली नंबर 25 तक, तो 33 डोलियाँ 25 से 33 बाकी 8 डोलियाँ रह गई हैं, इनको चेक करते हैं यार। 20 बच्चे ऊपर वाले डोली में यार कम नजर आया हमें बच्चे, तो मेरे ख्याल में यार ऊपर वाले में देख भी नहीं सकता ना पूरी तरह। अब देखे 2 में एक बच्चा था, 4 बच्चे थे, 1 डेड हो गया था, इसके अंदर भी 2 बच्चे निकले हुए थे मेरे ख्याल में, उसके अंदर भी 2 बच्चे थे। तो यार गाइस डोली नंबर अब हम चेक करते हैं 26 को। 26 में एक फीमेल जा रही है लेकिन अभी तक इसने अंडे नहीं दिया। 27 को चेक कर लेते हैं, ये खाली। 28 में फीमेल अंडे दिए हुए हैं, इसके बच्चे भी आपका इस बिल्कुल निकलने वाले हैं, यानी कि बिल्कुल निकलने वाले हैं, और इसके अंडे देर से दिए तो इसके अंडे भी ना इंशाल्लाह सारे बच्चे निकलेंगे। 29 को चेक कर लेते हैं यार, जहाँ पर एक फीमेल जा रही है ये भी अंडे देगी, 1 और 1 इन दोनों में भी अंडे आने हैं, तो यार 3 अंडे ये हो गए, बल्कि अंडे तो नहीं गिन रहे ना हम, बच्चे गिन रहे हैं। तो यार अब रह गया गाइस एक लाइन, तो चेक कर लेते हैं डोली नंबर 30 को। और 30 में 1, 2, 3 ये देखिए यार माशाल्लाह यार वो देखिए खिला रही है अपने बच्चों को। तो यार कितने हो गए गाइस? 1, 2, 3, 4 वो देखिए वो बैठा है 5वां। तो यार 5 बच्चे इसके हो गए, 20 और 5, 25 बच्चे, ठीक है। रोल नंबर 31 को चेक कर लेते हैं, 25 और 1, 2, 3, 4 बच्चे इसके निकले हुए हैं, और बच्चे भी तकरीबन येलो कंट्रास्ट हैं, बड़ा भी उससे छोटा भी उससे छोटा भी, और हैं भी प्यारे बच्चे यार इसके। तो यार ये हो गए गाइस 25 और 9, 29 हो गए, ठीक हो गया। बाकी 32 को चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है। 33 में फीमेल अभी अंडे दे रही है, इसके भी बच्चे निकलने वाले हैं। समझ यार 33
28 और इसके अलावा उसके अंदर और इसके अंदर इनके हैं अभी बच्चे निकलने हैं, बाकी के अंदर तकरीबन यार फर्स्ट क्लास निकला हुआ है। 29 बच्चे यार यहाँ पर थे और कल जब हमने उसको अभी प्रोग्रेस चेक की थी तो 17 बच्चे वहाँ पर थे, अभी और भी निकलने हैं यार। चलो इनको टोटल कर देते हैं, 30 और अगर 17 हो तो कितने होते हैं 46 बच्चे निकले हुए हमारी।